हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम अपना दुकान लेके पहुँच चुके हैं मार्केट। आप देख सकते हैं आज काफ़ी लेट है, 3 बज चुका है। तो जी, अभी अपने दुकान को हम लेके आ गए उस जगह पे जहाँ हमारा दुकान लगता है। और मेरे पास ये छोटा वाला सिलेंडर है और इसी छोटे वाले सिलेंडर से मैं दो कनेक्शन कर रखा हूँ, दो चूल्हा जलाता हूँ। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं खूब अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पे चूल्हा है और एक ही यहाँ पे चूल्हा है, दोनों मतलब हमारे दुकान के दोनों कॉर्नर पे एक एक चूल्हा है। चलिए सामान वगैरह निकाल लेते हैं, अपने दुकान को स्टार्ट करते हैं। और अभी आए थे हम पानी लेने, तो यहाँ से पानी ले लेते हैं, फिर चलते हैं। मोमोज बॉयल करना है, पानी जरूरी है और ग्राहकों को पिलाने के लिए भी। चलिए पानी लेके चलते हैं यहाँ से। और दोस्तों, हम यूज़ करते हैं ढक्कन वाली बाल्टी ताकि पानी गंदा ना हो, ढक्कन लगा रहा है। और आज घर से मोमोज बॉयल्ड होकर नहीं आया है, यहीं पर बॉयल करना है। पहले तो हाफ स्टीम घर से करके लाते थे, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं, एकदम कच्चा मटेरियल लेके आए हैं, तो यहीं पर बॉयल करेंगे। चलिए बॉयल के लिए चढ़ा देते हैं मोमोज को। और साथ ही साथ इसमें ना दोस्तों, आलू भी बॉयल कर लेते हैं हम यहीं पे दुकान पे, और टिक्की बन जाता है हमारा। चलिए दोनों काम साथों साथ शुरू कर देते हैं। और ये मोमोज एक साथ आया है तो थोड़ा सी कर देते हैं, बॉयल लगा के इसको हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि बॉयल होते समय एक दूसरे में चिपक जाता है ना, फटने लगता है। तो ये गया जी मोमोज का बर्तन। चलिए फटाफट से दुकान को रेडी कर लेते हैं। अभी चलते हैं, दुकान सेट कर लिए, मोमोज यहाँ बॉयल हो रहा है और चलते हैं। कुछ कुछ सामान खत्म है, जैसे धोना खत्म है, बड़ा वाला केवल छोटा वाला बचा हुआ है। बड़ा वाला धोना लेके आते हैं और कीरा खत्म है, कीरा लेके आते हैं। बाकी कुछ कुछ सामान खत्म है वो लेके आते हैं, यही मिल जाएगा। और अभी देखिए हमारा मोमोज बॉयल्ड हो चुका है, जितना हमें ज़रूरत है उतना बॉयल्ड हो चुका है, मतलब 70-80% बॉयल्ड हो चुका है। अब बारी बारी से सबको बॉयल कर लेते हैं और झोला ले लेते हैं क्योंकि सामान भी लाना है ना। और ये देखिए पूरा मोमोज बॉयल हो चुका है, थोड़ा बहुत अभी इसमें रस छोड़े हैं ताकि ये हीट होता रहे और ग्राहक आए तो हम उनको दे सकें। तो इसको रख देते हैं ऊपर क्योंकि ठंडा करना पड़ेगा ना, नहीं तो गर्म ऐसे डाल देंगे डब्बे में तो सब एक दूसरे में सट जाएगा। तो अभी हम लेके आए हैं खीरा। ऐसा है ना दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी खीरा था लेकिन इसको हम डीप फ्रीजर में डाल दिए थे, पता नहीं था ख़राब हो जाएगा, ये पूरा ख़राब हो चुका है 1 किलो खीरा, बस फिर से लाना पड़ा। दोस्तों, अभी जा रहे हैं बर्गर लाने, क्योंकि वहाँ जहाँ हमारा दुकान लगता है ना वहाँ भी मिल जाता है, लेकिन आज खीरा नहीं ख़त्म हो गया था। हम लोग गाड़ी लेके हम जा रहे हैं बर्गर लाने, और भी मेयोनीज लेना है और चटनी लेना है। तो अभी हम यहाँ से ले लिए देखिए मेयोनीज, और अभी निकलवा रहा है भैया से एक वाली चटनी जो बर्गर के साथ में हम देते हैं। भैया गए हैं अंदर निकालने के लिए। और अभी आ गए हम बर्गर के कारखाने में। ये देखिए कितना सारा बर्गर बना के रखा गया है यहाँ पे, यहीं से बर्गर ले जाते हैं अपने दुकान के लिए। तो बर्गर ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, 3 दर्जन ही लेना है हमें। तो अभी बर्गर भी ले लिए, चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है। दोस्तों, अभी पहुँच गए अपने दुकान पे और इसको लगा देते हैं, बर्गर लेके आ गए। दुकान खाली खाली सा दिख रहा था बिना बर्गर के। ज़्यादा नहीं लेके आए, 3 ही दर्जन लेके आए हैं, क्योंकि अभी दिख नहीं रहा है उसको, इसलिए ज़्यादा लाने से कोई फ़ायदा है नहीं। ये नान रोटी लेके आते हैं, संतोष जी हम आए थे अपने लड़की, बड़ी खाती ही नहीं है, नहीं तो उसके लिए भी लेके आते हैं। अभी दोस्तों लग गए यहाँ पे बर्गर, देखिए अब भरा भरा दिख रहा है। यहाँ पे भी कुछ कुछ सामान रख देंगे। करीब करीब 1.5 घंटे बाद मेरी बहनी हुई है, पहली बहनी 20 रुपये की हुई है। चलिए माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं पैसे से। और दोस्तों, आज ना अभी तक एक बर्गर और हाफ प्लेट मोमो, बस इतना ही बिका हुआ है, देखिए क्या होता है आज। हमें नहीं लग रहा है कि आज दुकानदारी चलेगा। मार्केट देखिए ना, पूरा सन्नाटा दिख रहा है। दोस्तों, अभी थोड़ी देर तक अच्छा दुकानदारी चला, यहाँ जितना भी मटेरियल काटे थे अभी सभी बिक चुका है, फिर से काटते हैं। बर्गर ही ज़्यादा बिका, मोमो कम बिका।
तो दोस्तों अभी शाम का वक्त हो चुका है और बर्गर का टिकिया ख़त्म हो गया था, तो अभी टिकिया बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये है नेक्स्ट डे और अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और सुबह सुबह देखिए उठ के अब मुँह धोए हैं, बाकी अभी ज्योति और परी दोनों सो रहे हैं। मतलब उठ परी सो रही है, ज्योति उठ गई। बर्तन धो ली हो तब का? इसका मतलब हमसे पहले उठी हो क्या तुम? ना, इसका मतलब धो के फिर आके सो गई है। वो चला गई। और दोस्तों हमारी खिड़की में पर्दा लग गया, देखिए ज्योति लगा दिए पर्दा। आप पर्दा था तो लगा, आप सही बोल रहे थे ना कि खिड़की यहाँ इस अलमारी पे किचन के अलमारी पे पर्दा लगाने के लिए, तो यहाँ एक पर्दा था हम लोगों के पास, तो यहाँ पे लग गया। ये तो ना से ना लगा, लेकिन तब वो ठीक है दिख रहा, लेकिन उतना अच्छा लगा ना, फिर भी ठीक दिख रहा है, कलरफुल है ना, मैच मैच तो कर ही रहा है। लेकिन पिंक कलर होता ना, पिंक कलर या पिंक पे कौन सा कलर मैच करेगा ज्योति? ब्लैक मैच करेगा, ब्लैक पर्दा लगा। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा कलर का पर्दा हम लोग लगाए। वैसे पिंक कलर का ये वॉलपेपर कह सकते हैं इसको, ये लगा हुआ है, इस पे कौन सा कलर का पर्दा यूज किया जाए। और बाकी देम रो किनेम हो पक्का किनेम तो आईडी वाला बाटू गो 250 में तनिया किन दी ऑर्डर करते। अच्छा ठीक बटे में। अभी एक और चीज मंगाया है आप सभी को, वो सरप्राइज रहेगा, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। हालांकि पहुंच गया हमारे घर, वो हम और ज्योति मिलकर ऑर्डर किया लो, क्या है आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और कल हमारा दुकान ना दोस्तों बहुत ही अच्छा चलाया, हमारा सारा मोमोज जितना मोमोज बनाए थे, जितना क्या मतलब बहुत ज्यादा नहीं बना रहे हैं, लेकिन जितना बनाए थे वो शाम तक 6 बजे तक पूरा खत्म हो गया था, तो अभी उससे ज़्यादा आज जा रहे हैं बनाने, अभी चलते हैं काम करने, आज उससे ज़्यादा बनाएंगे, अगर आज वो बिक जाएगा तो कल उससे भी थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे। किलो 700 ग्राम आटा कल लगाए थे, आज 1 किलो लगाएंगे, तो चलिए चलते हैं काम शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा रो दिया क्योंकि प्याज इतना तगड़ा वाला तीता लगा ना आँख में, पूछिए मत। प्याज काट रहे थे ना, बहुत ही तीता लग गया है। और अभी मसाला पूरा तैयार कर लिया हम, ये देखिए, और इसमें पत्ता गोभी का पानी निचोड़ के रखे हैं। और बाकी यहाँ पे आज 1 किलो मैदा बोले थे तो 1 किलो मैदा लगा लिए हैं, है ना ज्योति? ज्योति अभी घूम रही है, राउंड राउंड कर रही है, क्योंकि ये जा रही है खाना बनाने। अच्छा लो, ऐसे करते रहे आप, दिख रही हो। तो चलिए आप सभी प्रेयर कीजिएगा भगवान से कि आज हमारा सारा माल बिक जाए और ऐसे ही दिन प्रतिदिन हमारा बिजनेस बढ़ता चला जाए, ताकि हम लोग अपना जो भी छोटा बड़ा सपना है वो पूरा करें अपने मेहनत के बदौलत, क्योंकि मेहनत के बदौलत पूरा होता है ना, तो उसका एक खुशी कुछ और ही होता है। जैसे हमारा माई फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट जब आया तो हमारा मेहनत था, आप सभी का प्यार आशीर्वाद था, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, यहीं पे आशा करते हैं कि हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत तीता है प्याज, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी को तीता नहीं लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि प्याज यहाँ पे रखे हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा।